ये खोटा सिक्का एक बार चल दिया, हमेशा खोटा सिक्का चलेगा नहीं। ये झारखंड ने साबित कर दिया, दिल्ली ने साबित कर दिया कि खोटा सिक्का है, महाराष्ट्र ने कर दिया ये खोटा सिक्का है, साथी भी छोड़ चले, ये खोटा सिक्का चलेगा नहीं। अब मोदी जी डिटेंशन सेंटर में, अमित शाह जी अब तैयार हो जाओ डिटेंशन सेंटर में आप लोग जाने के लिए, इंशाल्लाह ये लोग डिटेंशन सेंटर। देखिए, जो आदमी लोकसभा में गलत बयानी करे, जो जनता को प्रधानमंत्री 2014 के इलेक्शन से भरमा रहे हैं, उन्होंने कहा था सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, किसी के अच्छे दिन नहीं आए, उन्होंने कहा विदेशी धन आ जाएंगे, काला धन आ जाएंगे, वो भी नहीं आया, कहें 15 लाख रुपया सबको मिल जाएंगे, नहीं मिला। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे, 2 लाख भी 5 साल में नहीं मिला। ये तो सारे आंकड़े हैं मौजूद, तो वो जो जनता के बीच कहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, और सरकार, यही सरकार 24,000 करोड़ डिटेंशन सेंटर के लिए बजट पास करती है। उन्होंने कहा एनआरसी पर कोई चर्चा ही नहीं है, और राष्ट्रपति अपने भाषण में एनआरसी के लागू करने की बात करते हैं, तो कैबिनेट से पास किए बिना राष्ट्रपति भाषण नहीं होता, कैबिनेट नोट पास करती है तो राष्ट्रपति पर बोलता है, तो बिना चर्चा किए कैसे हो बोलेंगे राष्ट्रपति। तो इसका मतलब बिल्कुल है कि जो भी कह रहे हैं वो सब गलत कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं लेंगे, मगर ये वापस लेंगे, इसलिए कह रहे हैं नहीं लेंगे, तो जो ये कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। ये कहते हैं कि नोटबंदी हो जाएगी तो सारे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी बंद हो गई मगर कहीं आतंकवाद उतना ही रहा, उससे ज्यादा पुलवामा हुआ, उससे ज्यादा आतंकवाद हुआ, तो नोटबंदी जो ये कहते हैं वो नहीं होता। ये कह रहे हैं कि विदेशी लोगों को ये नागरिकता देने की बात करें जिनको मजहब के नाम पर सताया जा रहा है, तो श्रीलंका में तमिलियन को मजहब के नाम पर सताया जा रहा है, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को मजहब के नाम पर सताया जा रहा है, दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, उन्हें क्यों नागरिकता दोगे भाई। तो ये जो कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं। इनको नागरिकता देने का अधिकार है, जिसको चाहे नागरिकता दें, इनकी सरकार है, जिसको चाहे नागरिकता देंगे, इस देश का मुसलमान पिछड़ा दलित पिछड़े नीचे नहीं जा रहा है, जिसको चाहे, वो देश का कानून है, सरकार जिसको चाहे नागरिकता दे, जिसको चाहे नागरिकता न दे। मगर जो हिंदू महासभा में 1915 में जो कहा था कि सभी हिंदू हैं, सभी हिंदुत्व लागू करेंगे, 1925 में आरएसएस बनी इसी को लागू करने के लिए, और आज मोहन भागवत कह रहे हैं कि देश के सभी हिंदू हैं, मतलब ये है कि इस देश के मुसलमानों को हिंदू बनाना चाहते हैं। पहले मुसलमान को बना लेंगे, फिर सिखों को बनाएंगे, फिर बुद्धिस्ट को बनाएंगे, ये कहते हैं घर वापसी हम कराएंगे। तो जो आदमी सबूत दे पाएगा कि हम इस देश का नागरिक है, उसे ये नागरिक मानेंगे, और जो नहीं दे पाएगा कहेंगे या तो डिटेंशन सेंटर में जाओ या तो हिंदू बन जाओ। तो जो मुसलमान नहीं साबित कर पाएगा उसे हिंदू बनाने के साबित घर वापसी कराना चाहिए, कहते घर वापसी करेंगे। अरे घर वापसी करना तो इस देश का मूल जो धर्म था वो तो बुद्धिज्म था, तो इस देश का बुद्धिज्म था, सभी लोग बुद्धिस्ट थे। तो मोदी जी, अमित शाह जी, पहले बुद्धिस्ट हो जाओ, आप घर वापसी करना है तो देश का कानून बना, जो ये सनातन धर्म है देश का धर्म थोड़ा ना है, वो तो सेंट्रल एशिया से धर्म आया, ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं, मगर इस देश का धर्म तो बुद्धिज्म है, पहले बुद्धिस्ट बन जाओ आप, अगर घर वापसी करना, इस देश के कानून, देश के धर्म को अपनाना है तो बुद्धिस्ट बन जाओ। तो ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहते हैं कि देश के लोगों को, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बाहर के लोगों को नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आसाम की मुख्यमंत्री रही हुई, 3 बार से ज्यादा एमएलए और एमपी रही हुई, कांग्रेस की अध्यक्ष रही हुई, एक महिला अपने को साबित नहीं कर पाती है कि वो इस देश का नागरिक है, एनआरसी उन्हें विदेशी साबित कर देता है। कारगिल का जो अपनी पूरी जिंदगी दे दिया देश की सुरक्षा में, 40 साल नौकरी की डिफेंस सर्विसेज में, उसे डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जा रहा है, वो नागरिकता साबित नहीं कर पा रहा है। तो एक आम मुसलमान जो मजदूर है, लाचार है, बेबस है, अनपढ़ है,
जिसके पास तो जर है ना आजाद है, न कोई सर्टिफिकेट है, न पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं है, वो किसे साबित कर पाएगा हम देश के नागरिक हैं? तो उन्हें तो ये कहेंगे या तो तुम डिटेंशन सेंटर में जाओ या तो हिंदू बन जाओ। हिंदू बन जाओगे तो तुम्हें नागरिकता हम दे देंगे, क्योंकि कानून बन गया है कि जो हिंदू रहेगा उसे नागरिकता दे देंगे और जो मुसलमान रहेगा उसे नागरिकता नहीं देंगे, उसे डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। वोटिंग का अधिकार भाई, डिटेंशन सेंटर में चला गया तो वोटिंग का अधिकार खत्म हो गया नहीं? वोटिंग का अधिकार खत्म हो गया भाई, जब आप विदेशी हो गए तो वोटिंग का अधिकार अपने आप खत्म हो गया। वोटिंग अधिकार मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी को कोई दिक्कत हो रही है विदेशी पहचान करने में, देश का पहचान करने में, कौन इस देश का है कौन विदेशी है, तो मैं डॉक्टर आदमी हूँ, हर आदमी के बदन में डीएनए है, वो बदलता नहीं है, उसके आधार पर डीएनए बदलता नहीं है। चाहे आप अमेरिका से आओ, यूरोप से आओ, कितनों दिन यहाँ रहो, डीएनए आपका नहीं बदलेगा। इस देश का मूल निवासी है उसका भी डीएनए फिक्स है। तो अगर मोदी जी फैसला कर रहा है तो मजहब तो बदलता रहेगा, डीएनए के आधार पर कानून सीए तो बदलता रहेगा है नहीं? आपकी सरकार सीए बना देगी, हमारी सरकारों को हटा देंगे। तो अगर आपको विदेशी पहचान करना है तो मोदी जी डीएनए टेस्ट करा लो, है नहीं? ये दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, कौन विदेश से आया कौन इस देश का है। मजहब तो बदलेगा, कानून बदलेगा, डीएनए नहीं बदलेगा। और हर जगह उत्तर प्रदेश के देश के हर जिले में डीएनए होता है टेस्ट, पैसा कोई खर्चा नहीं है, सबका डीएनए टेस्ट करा लो, जो यहाँ का डीएनए हो वो देश का है। अब मोदी जी और अमित शाह, आप तो विदेशी निकलोगे, आप सेंट्रल एशिया से आए हो, पीस पार्टी आएगी हमारा कानून बनाएगा तो सीए को हटा करके डीएनए टेस्ट होगी तो मुसलमान पिछड़ा दलित कमजोर लाचार बेबस वो डिटेंशन सेंटर में नहीं जाएगा, बल्कि मोदी अमित शाह योगी डिटेंशन सेंटर में जाएंगे। तो साहब ये तो अच्छा है। सर दो तीन दिन से देख रहे हैं, दिल्ली चुनाव जब से खत्म हुआ है तब से जामिया वाला मसला इस तरह से खड़ा हो गया है और सारे जो जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें लगातार जो फुटेज हैं वहाँ के लाठीचार्ज के वो लगातार दिखाए जा रहे हैं। पहले कुछ फुटेज आए जो कि बच्चों ने ये दिखाया कि पुलिस ने लाठीबाजी, फिर वही चीज़ें जो हैं उसी वीडियो को पूरा उसका वीडियो दिखाया जाता है और कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने पूरी वीडियो जारी की है और फिर उन्हीं बच्चों को पत्थरबाज घोषित कर दिया जाता है सभी और लगातार तब से चला जाए। तो आखिर इसके पीछे की जो मंशा है वो क्या नज़र आ रही है? क्योंकि जब इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा मीडिया क्रिएट करती है तो कोई ना कोई बड़ी साजिश जो है वो हो रही होती है। देखिए इससे नुकसान ये मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, आरएसएस ने, देश के जितने भी संवैधानिक जितने भी संस्थाएं थी सबको इन्होंने बर्बाद कर दिया। मीडिया चौथा स्तंभ था जिस पर लोग विश्वास करते थे, आज मीडिया पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। सरकार के इतने गिरफ्त में मीडिया हो गई कि उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। लोकसभा के अंदर अमित शाह गलत बयान कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। सपा बसपा के लोग जो सेकुलर कहलाते हैं उनके खिलाफ कोई प्रश्न नहीं, उन्होंने कहा लोकसभा के अंदर अमित शाह ने कि 38% बंटवारे के वक्त हिंदू थे पाकिस्तान में और आज 3% रह गए। वो भाषण देते हैं या तो उन्हें मार दिया गया या तो धन परिवर्तित कर दिया या तो देश से निकाल दिया गया। बोलो भाई सीए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये देश में मैसेज देते हैं कि वहां मुसलमानों ने हिंदू को या तो बदल दिया है 38% से 3% कर दिया। मगर पाकिस्तान की सेंसस 51 में हुई, 1951 में देश की सेंसस 51 में हुई, आखिरी सेंसस इस देश में 2011 में हुई, पाकिस्तान में सेंसस 2011 में हुई। जो डॉक्यूमेंट है जो लेबल कोई भी देख सकता है, मगर सेंसस 1951 का पाकिस्तान का ये कहता है कि वहाँ 1951 में 3.4% नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे और दूसरे मतलब मुसलमान को छोड़ करके, और 2011 के सेंसस में 3.4 से 3.9% हो गए, बढ़ गए मुसलमान, कम हो गया। यही कारण है 38% से 3% ला दिए। तो साहब लोकसभा में इस तरह का बयान दे रहे हैं, मैं इन सेकुलर पार्टियों सपा बसपा कांग्रेस से कहना चाहूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें ये तो इन्हों देश को बताना चाहिए, लोकसभा में प्रिविलेज
सेपरेज मोशन के खिलाफ इन सेकुलर पार्टियों को लाना चाहिए। तो ये सेकुलर पार्टियां सपा बसपा कांग्रेस में उनसे मिली हुई हैं या तो उनसे डरी हुई हैं। नहीं, पीस पार्टी का अगर रहता कोई भी सदस्य तो उसमें जरिए लोकसभा में ही लाता, जनता को ये पता चलता है कितना झूठ बोल रहे हैं। जो धर्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर देश को गुमराह करने की साजिश करो, साजिश व्यापार होता, पर्दा होता, इसी तरह प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। तो ऐसी सरकार जो झूठ के बुनियाद पर है, और वही इस्तेमाल उन्होंने मीडिया के लिए किया। अब मीडिया उन्हीं के प्रभाव में ये करती रही। मैं समझता हूँ मीडिया भी आत्ममंथन करेगी, वो अपने में विश्वसनीयता लाएगी और विश्वसनीयता लाए जो सही चीज़ है वो दिखाएगी। मैं समझता हूँ कि देश में इन्होंने कहा था कि भाई जो शाहीन बाग के साथ है, जो जामिया के साथ है, वो विपक्ष के साथ जाए, जो इनका विरोधी हो भाजपा के साथ जाए, तो जनता ने फैसला दे दिया। उन्होंने कहा था कि अगर अगर हम गलत साबित होंगे तो चौराहे पर बुला देना और जो चाहे सो सजा देना। आप सब गलत बात किए हो, जनता चौराहे पर आपका इंतजार कर रही है, आप चौराहे पर आ जाए, सजा दे जनता। डॉक्टर साहब, एक लास्ट मेरा सवाल आपसे कि जिस तरह की राजनीति अब की बार दिल्ली चुनाव के दौरान हुई और बयानबाजी हुई खासकर बीजेपी की तरफ से, अब आपको लगता है कि आगामी जो राजनीति होने वाली है, जिस तरह की बयानबाजी हुई है चुनाव के दौरान, वही आगे भी जारी रही तो चुनाव किस स्तर पर चला जाएगा और इसके परिणाम क्या होंगे, इसका कुछ अंदाजा है? अंदाजा है। जनता यहाँ भावुक जनता है, क्योंकि दिल्ली में जितने लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने तो अपने समझ लिया कि नहीं, जो है नहीं हुजूर, जनता भावुक है और सहनशील है। हिंदू मुसलमान में सदियों से समरसता बनी आ रही, पड़ोसी हैं, एक दूसरे के सुख दुख में रहते हैं। राम मंदिर पर इन्होंने सत्ता हासिल कर ली, सब प्रभावित थे लोग, पर उसका नाम नहीं लेते। ये मुद्दा चल चुका, ये खोटा सिक्का एक बार चल दिया, हमेशा खोटा सिक्का चलेगा नहीं। ये झारखंड ने साबित कर दिया, दिल्ली ने साबित कर दिया कि खोटा सिक्का है, महाराष्ट्र ने कर दिया ये खोटा सिक्का है, साथी भी छोड़ चले, ये खोटा सिक्का चलेगा नहीं। अब मोदी जी डिटेंशन सेंटर में, अमित शाह जी अब तैयार हो जाओ डिटेंशन सेंटर में आप लोग जाने के लिए, इंशाल्लाह ये लोग डिटेंशन सेंटर में जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर।